3 मार्च को जाना चाहते हैं और रिटर्न टिकट 15 मार्च की। ओके सर, ठीक है सर, मैं टिकट बुक करके आपके घर भिजवा देती हूँ। श्योर। कहाँ है संजय? बुलाओ उसे। है कहाँ वो? मैम, क्या हुआ मैम? मैम क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लगी? ये क्या हालत बना के रखी है केबिन की? संजय कहाँ है? मैम संजय सर भी ऑफिस नहीं आए। ओह, आने दो उसे। आज तो फैसला होकर ही रहेगा। लगता है आज फिर पूजा मैम की संजय सर के साथ लड़ाई हुई है। हो सकता है। और इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पर? अभी अभी ऑफिस में रिनोवेशन हुआ है ना, तो फिर सारे लाइट जल क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं चल रहे हैं? नहीं मैम, सभी लाइट सही सलामत है। पायल, लाइट्स ऑन करो फटाफट। मैम आपके लिए चाय मंगाऊं प्लीज? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता ये लाश यहाँ पर कैसे आई। सिक्योरिटी को बोला तैयारी को फोन करो। जल्दी जल्दी करो। गोली छाती के बगल में लगी है, शर्ट खून से सना हुआ है, पर स्लाइड बॉक्स के अंदर ज्यादा खून दिख नहीं रहा। सर इसका मतलब इन पर गोली कहीं और चलाई गई थी और खूनी ने खून करने के बाद लाश को स्लाइड बॉक्स में रख दिया। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। सिर्फ एक बात समझ में नहीं आई? हाँ सर, और बातें समझ में आएगी तो मैं आपसे पूछ लूंगा, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि खूनी ने इसे मारकर इस लाइट बॉक्स में क्यों रख दिया। वो शायद इसलिए पंकज, क्योंकि खूनी को लगा होगा कि किसी की नजर इस लाइट बॉक्स में नहीं पड़ेगी, बाद में जब मौका मिलेगा तो इस लाश को ठिकाने लगा देगा वो। अब एक सवाल तुम अपने दिमाग में डाल दो। हाँ सर। क्या सर? ट्रैवल एजेंसी के हिसाब से इस ऑफिस का इंटीरियर डेकोरेशन काफी महंगा लगता है, काफी चकाचक है ये, है ना? हाँ सर। कैसे? वो तो मैं सोचा ही नहीं सर। तो सोचो। पूजा जी आपने कहा कि आपका आपके पति संजय के साथ कुछ झगड़ा हुआ था। या सर। कब? कल रात को, और संजय ने मुझे मारने की धमकी भी दी थी। संजय ने आपको मारने की धमकी दी और किसी ने उसे ही मार डाला? आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है? नहीं सर। कोई बात नहीं। आप ये बताइए कल रात एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर हम दोनों के बीच में बहस हुई थी। बहस? कैसी बहस? वो जब मैं कल रात को घर पहुंची तो। सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने आज तक अपना किया हुआ वादा तोड़ा है भला। और मुझसे किया हुआ वादा आज तक तुमने निभाया है कभी? सर मैं अभी आपको दोबारा फोन करता हूँ। तुम चाहती क्या हो आखिर? दिखता नहीं फोन पर, मैं जरूरी बात कर रहा था। तुम्हारे लिए सब कुछ जरूरी है सिवाय मेरे। तो चाहती क्या हो तुम? काम छोड़ दूं मैं और दिन रात तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारा मनोरंजन करूं? ये जो ऐशो आराम की जिंदगी तुम देख रही हो ना, जो जी रही हो, ये दिन रात की मेरी मेहनत का नतीजा है। तुम सब कुछ अपने लिए करते हो। ऑफिस का रिनोवेशन का काम, घर का रिनोवेशन का काम करने के लिए तुम्हारे पास पैसे है, लेकिन अपनी बीवी पे पैसा खर्चा करने के लिए तुम्हारे पास कोई रुपया नहीं। जस्ट शट अप। तुमने क्या समझ के रखा है मुझे? मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ। बंद करो अपनी ये बकवास, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई हो तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन मुझे पागल बनाया किसने? तुमने। अगर एक शब्द भी इसके बाद तुमने बोला तो मैं क्या करोगे? तुम क्या करोगे? तुम मार डालोगे मुझे? मार डालोगे? मार डालूंगा तुम्हें मैं, तुम्हें मैं जान से मार डालूंगा। Thank you.
आपको पूरा यकीन है कि जिस गाड़ी से आप जख्मी हुई थी वो गाड़ी आपके पति संजय ही चला रहे थे? जी हाँ सर। ये आप दोनों का झगड़ा कितने बजे हुआ था? करीबन 9:30 बजे। 9:30 बजे? और ऑफिस कब बंद होता है? सर 10 बजे। बंद कौन करता है ऑफिस? मैं करता हूँ सर, लेकिन मेरे जाने के बाद कब कौन आया पता नहीं। सर पंकज, बाहर जाके पता करो कि 10 बजे के बाद यहाँ ऑफिस में कोई आया था क्या। आप रुए। सर इसके जूते में कुछ है, ये देखिए। जूते की अड़ी में ये चाबी? चाबी पे यू भी लिखा हुआ है, यू भी। कहीं ये चाबी यूनिवर्सल बैंक के लॉकर की तो नहीं है? सर लॉकर की चाबी है तो जरूर लॉकर में कुछ छुपा कर रखा होगा। पूजा जी, इस चाबी को पहचानती हैं? देखा इस चाबी को कभी? नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आप में से कोई इस चाबी को पहचानता है? नो सर। नो सर। सर सर बाहर वालों को भी कुछ नहीं पता। संजय ने बैंक के लॉकर में ऐसी क्या चीज छुपा के रखी है जो से ये लॉकर की चाबी जूते में छुपा के रखनी पड़ी? एक काम करो, संजय के कॉल रिकॉर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और बैंक डिटेल्स निकालो, उसी से पता चलेगा। क्या पता चला? बॉस हमें संजय के नाखूनों में से ड्रग्स कोकेन के ट्रेसेस मिले। कोकेन? सर मतलब मिस्टर संजय ड्रग्स लेते थे? नहीं। अरे नहीं जसवंत जी, तूने तो अभी अभी बताया कि कोकेन उसके नाखूनों में से मिला है। सर हमें इसके सिर्फ नाखूनों में से कोकेन मिला है, इसके खून में कोई कोकेन के अंश नहीं मिला। इसका मतलब ये है बॉस कि संजय ने ड्रग्स नहीं ली थी। ये ड्रग्स नहीं लेता, इसने सिर्फ कोकेन को हाथों से छुआ है, कोकेन को हाथों में लिया है। तो हो सकता है ये ड्रग्स का धंधा करता हो। अच्छा गोली के बारे में क्या पता चला? कहां से आई, कैसे लगी? बस संजय को गोली 15 से 20 फीट की दूरी से लगी है और गोली 45 डिग्री के एंगल से लगी। 45 डिग्री के एंगल से? ये देखो गोली बाई तरफ से बॉडी में गई है और शरीर में दाई तरफ जाकर के मुड़ गई। अगर गोली कोई सीधे मारता तो गोली सीधी इसकी छाती में लगती और पीछे से बाहर निकल जाती। तो इसका मतलब है कि जिसने भी संजय पर गोली चलाई वो संजय के उस तरफ खड़ा था, बाई तरफ है। सर इनके क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट से पता चला है कि इनका कार्ड कई बार होटल रॉयल सन में स्वाइप किया गया था। अच्छा रॉयल सन होटल। काम करो इस रॉयल सन होटल में जाओ और उनकी सारी सीसीटीवी फुटेज उठा, सारी सीसीटीवी फुटेज। और ये यूनिवर्सल बैंक के लॉकर की चाबी, पता लगा किस शाखा के लॉकर की चाबी है ये। सर ये चाबी तो हमारे बैंक के लॉकर की ही है। गुड, जरा ये फोटो देखिए, ये संजय है, ये लॉकर इस आदमी के नाम पे? हाँ सर, ये लॉकर इनके और इनकी पत्नी नीना जी के नाम पर है और ये अक्सर साथ में आया करते थे।
संजय की पत्नी नीना? आपके पास मिसेस नीना के रिकॉर्ड्स तो होंगे? जी मैम, मैं अभी फाइल मंगवा देता हूँ। दीपक, वो लॉकर नंबर 33 की फाइल लेके आना, मिसेस नीना जी की फाइल है वो। मैनेजर साहब, किसी भी हाल में इस लॉकर को खुलवाना है। इस लॉकर के अंदर क्या रखा गया है हमें चेक करना है। जी सर, एक्सक्यूज मी सर, ये नीना कौन है? सर मुझे लगता है ये पूजा ही नीना है, और नीना के नाम से उसने इस बैंक में लॉकर खोला। सर, मिसेस नीना के लॉकर में ये बैग रखा हुआ था। सर, नीना के लॉकर में ड्रग्स? ड्रग्स? सर, ये रही नीना जी की फाइल। सर, ये तो पूजा नहीं है, कोई और ही है। इस औरत ने संजय की पत्नी बन के यहाँ पे लॉकर लिया और उसमें ये सारे ड्रग्स रखे हैं, तो फिर ये नीना है कौन? तो लगता है ये संजय ड्रग्स का धंधा होटल रॉयल सन से ही करता होगा, और इस ड्रग्स के चक्कर में उसका खून हो गया है। संजय की पत्नी पूजा, पर पूजा से उसकी बनती नहीं थी। और तो और, यूनिवर्सल बैंक में जाकर उसने बताया कि नीना उसकी पत्नी है। मेरी तो एक ही बीवी ने नाक में दम कर रखा है, इसकी तो दो दो बीवी हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घर चलाने के लिए पूजा और ड्रग्स का धंधा करने के लिए नीना हो? हो सकता है सर। हाँ सर, होटल रॉयल सन से जो सीसीटीवी फुटेज मिला था वो रेडी है। चलो देखते हैं सर। पॉज करो। संजय है ना सर? इसमें संजय के साथ एक औरत भी है। ज़ूम करो। सर ये तो नीना है। अच्छा, ये नीना है। आपका शक सही निकला सर, ये दोनों मिलकर ड्रग्स का धंधा करते होंगे। अभिजीत, इस संजय का असली धंधा तो ड्रग्स का ही था, ये ट्रैवल एजेंसी तो दिखावा था, दिखावा। हाँ सर, उसने अपने ऑफिस के इंटीरियर पे भी काफी खर्चा किया हुआ है। तो ड्रग्स के धंधे में अनाप शनाप पैसा है, लगा दिया होगा ऑफिस में और क्या। हाँ अभिजीत, मुझे तो लगता है इन दोनों के बीच में, मतलब नीना और संजय के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हुई होगी, तो बस नीना ने संजय का कांटा ही निकाल दिया। इस नीना से जाकर मिलो, नीना से मिलो। दरवाजा खुला? कोई आवाज मत करना, आज किसी भी हाल में इस नीना को गिरफ्तार करना है। देखो मैं जाऊं, संभाल के। सर नीना जी घर पर नहीं, बहुत जल्दबाजी में घर छोड़कर गई है। सर हमें पहुंचने में बहुत देर होगी, चलिए चलते यहाँ से। आवाज कहाँ से आ रही? ऊपर। जी क्या हुआ? आप ठीक तो है? क्या हुआ क्या? सर किसी आदमी ने मुझ पर हमला कर दिया, और वो बार बार लॉकर की चाबी के बारे में पूछ रहा था। कौन था वो आदमी, आप पहचानते हो उसे? नहीं सर, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, मुंह ढका हुआ था उसका। सर जरूरी वही शख्स होगा जिसने संजय के कैबिन की तलाशी ली थी, उसे वहां चाबी नहीं मिली तो उस चाबी के चक्कर में यहां तक आ गया। हां पूर्वी, वो आदमी ड्रग्स ही ढूंढ रहा था, और उसे पता था कि बैंक के लॉकर में ड्रग्स रखे गए थे। वो आदमी है कौन? मगर पूजा जी, आप यहाँ नीना के घर पे क्या कर रही हैं? नीना का घर? हाँ?
ये घर मेरा है सर, और ये नीना है कौन? अगर आप नीना को नहीं जानती हैं, तो उसने आपके घर का एड्रेस बैंक को क्यों दिया? ये आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोले। आप इन्हें जानती हैं? ये नीना है। नहीं, मैंने तो कभी संजय के मुंह से भी इसके बारे में कुछ नहीं सुना, लेकिन अब मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है। मुझे तो बहुत पहले से ही शक हो गया था संजय पे कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तो ये वो औरत है? अच्छा पूजा जी, वो ऑफिस में जो लाइट बॉक्स था, वो संजय ने कहीं से खरीदा था या बनवाया था उसे? ऑफिस के इंटीरियर डेकोरेशन का काम संजय ने एक बहुत ही बड़े डेकोरेटर को सौंपा था, और उसका नाम है रोहित। रोहित, अब तो उस लाइट बॉक्स के राज पर ये रोहित वही रोशनी डाल सकता है। मिस्टर रोहित जी, कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। संजय की ऑफिस का इंटीरियर डेकोरेशन का काम आपने ही किया था ना? मिस्टर संजय जी, हाँ, उनके ऑफिस का इंटीरियर मैंने ही किया था। तब तो वो खूबसूरत लाइट बॉक्स वो भी आप ही ने बनवाया होगा? हाँ जी हाँ, वो लाइट बॉक्स तो मैंने स्पेशली उन्हीं के लिए डिजाइन करवाया था। नीना की फोटो? ये मेरी पत्नी है। आपकी पत्नी? ये नीना संजय की पत्नी है ना? क्या कह रहे हैं आप? ये सब हो क्या रहा है? देखिए मिस्टर रोहित, संजय का खून हुआ है, और आपके बनाए गए उस खूबसूरत से लाइट बॉक्स में हमें उसकी लाश मिली है। क्या? तहकीकात करने पे पता चला है कि संजय ड्रग्स का धंधा करता था, और आपकी पत्नी नीना इस गैर कानूनी धंधे में संजय की पार्टनर थी। ये नामुमकिन है ऑफिसर, नीना कोई गैर कानूनी काम नहीं कर सकती। इनफैक्ट वो तो गाड़ी ड्राइव करते वक्त सिग्नल तक नहीं तोड़ती। हम लोग बिना सबूत के कभी भी किसी पे गलत इल्जाम नहीं लगाते। अच्छा, आपको मालूम है कि नीना का यूनिवर्सल बैंक में एक लॉकर था? यूनिवर्सल बैंक? नहीं। संजय और नीना ने यूनिवर्सल बैंक में एक लॉकर लिया था, और वहां पे इन दोनों ने अपने आप को पति और पत्नी बताया था, और उस लॉकर में ड्रग्स रखे गए थे। नीना ड्रग्स? मेरे पीठ पीछे से वो ये सब करती थी। अच्छा, ये संजय और नीना एक दूसरे को कैसे जानते हैं? ऑफिसर, वो लोग कॉलेज के समय से ही एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। इनफैक्ट संजय ने नीना के कहने पर ही मुझे उसका काम दिया था। मुझे नीना की बहुत फिक्र हो रही है ऑफिसर, कहीं संजय के खूनी ने नीना को भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अच्छा, नीना के बारे में आपको कोई खबर मिले तो हमें बताइए। घर कहाँ है आपका? आखिरी बार तुमने कब देखा था नीना जी को? साहब, जब मैं सुबह आया था तो मैम साहब अपने बैग में कपड़े भर रही थी। कहाँ जा रही है, वो कुछ बताया? नहीं साहब, लेकिन वो बहुत टेंशन में लग रही थी। टेंशन में? अच्छा, कल रात तुम यहाँ से कितने बजे गए थे? साहब, मैं लगभग 9:30 बजे के आसपास गया था। और उस वक्त मैम साहब यहाँ थी? जी साहब। उनके साथ कोई और भी था यहाँ पे? जी नहीं, लेकिन वो फोन पर किसी को गुस्से से डांट रही थी। डांट रही थी? किसे और क्या डांट रही थी? कह रही थी, तुम एस टैक्सी वालों की सर्विस एकदम बकवास है, आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ, टैक्सी क्यों नहीं आई? एस टैक्सी सर्विस? सर। हाँ बोलो। सही है, देखिए। खून? सर कहिए, संजय का खून तो नहीं? हो सकता है संजय का खून यहीं पे किया गया, और फिर उसकी लाश को वहां ऑफिस के लाइट बॉक्स में डाल दिया गया। एक काम करो, एक खून के सैंपल्स उठा लो। मगर नीना ये सब काम अकेली कर सकती है ऐसा लगता तो नहीं है। आज सुबह उसने आपकी कंपनी से टैक्सी मंगवाई थी। मिसेस नीना ने फोन किया था। एक मिनट सर, मैं चेक करके बताता हूँ। यस सर, आज सुबह ही नीना नाम की औरत ने कैब बुक किया था गुलमंडी के लिए।
गुलमंडी पर कहाँ उतरी थी वो? वो तो ड्राइवर को पता होगा। जरा उस ड्राइवर को यहाँ पे बुलाना, उसे फोन कर दो। सर वो बाहर ही बैठा है। बाहर बैठा है? सर सुनो, आज सुबह तुमने एक औरत को गुलमंडी छोड़ा था? जी सर। कहाँ पे छोड़ा था उसे गुलमंडी? सर गुडविल लॉज में। गुडविल लॉज में, ठीक है, थैंक यू। इस नीना ने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया। गुडविल लॉज, सर इस लॉज की तो हालत एकदम खस्ता है, देख के लगता नहीं कि कोई रहता भी होगा यहाँ पे। सर रिसेप्शन पे भी कोई नहीं है। गुनहगार लोग अक्सर ऐसी जगह पे ही रहते हैं। ए छोटू, इधर आ। जल्दी बोलो साहब, अपन को ये गर्म पानी रूम में देने का है। अरे एक मिनट रुकना यार, घोड़े पे सवार है। ये देख, ये मैडम यहाँ पे ठहरी है क्या? ये मैडम तो रूम नंबर 102 में ठहरी है। 102? कहाँ पे 102? ऊपर। थैंक यू, जा पानी दे दे। नीना जी, सॉरी नीना जी। कौन है आप लोग, क्या चाहते हैं आप? हम सीआईडी से, भागने की कोशिश भी मत कर। आपका खेल खत्म हो गया, श्रेय तलाशी लो। सर चलिए नीना जी, ब्यूरो चलते हैं, इस गन की गोलियों का हिसाब करना है। तुम्हारे सामान में से जो हमें गन मिली वो किसकी थी नीना? है? मेरी गन थी, पर मुझे और कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि संजय कौन है। पूर्वी जरा दिखाओ इन्हें वो बैंक का फॉर्म। नीना जी ये फोटो आप ही की है ना? ये आपकी कोई जुड़वा बहन मीना भी? इस फॉर्म में साफ साफ लिखा है ये लॉकर सिर्फ तुम और संजय ही ऑपरेट कर सकते हो, और इसमें ये भी लिखा है कि तुम संजय की पत्नी हो, पत्नी। और तुम कह रहे हो कि तुम संजय को जानते तक नहीं, ये कैसे हो सकता है बताइए? नहीं लगता है इन्हें और भी सबूत दिखाना पड़ेगा अभी। ठीक है नीना जी, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, हमें सब कुछ पता चल चुका है। हमारे पास होटल रॉयल सन की सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें उसमें आप और संजय एक साथ हैं, साफ साफ दिख रहा है। आपके घर से जो हमें खून मिला था उसकी भी फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, और वो खून संजय का ही है। संजय का खून तुमने ही किया है नीना, और संजय का खून करने के बाद अपने आप को बचाने के लिए तुम गुडविल लॉज में जाकर छुप गई है ना? संजय का खून तुमने किया ना? हाँ या ना? हाँ, मैंने किया उसका खून, मैंने मारा ना संजय को। पर तुम तो पत्नी थी ना संजय की, क्यों? नहीं, हम दोनों ड्रग्स का धंधा करते थे, और हमने पति पत्नी का नाटक किया था बैंक में लॉकर खोलने के लिए, जहाँ हम ड्रग्स रखा करते थे। क्यों मारा संजय को तुमने? क्योंकि मैं ये काम नहीं करना चाहती थी, संजय ये बात समझ ही नहीं रहा था, और वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गया। नीना, आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, पूजा पीछे पड़ गई थी मेरे, जैसे तैसे उससे पीछा छुड़ा कर यहाँ। छोड़ो संजय मुझे, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। नीना देखो, हमारे लंदन के टिकट्स रेडी हैं, हमें सिर्फ ड्रग्स बेचना है और भागना है, मैंने सारी तैयारी कर ली है, अब ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ? संजय मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं रोहित को धोखा नहीं दे सकती, ये सही नहीं है, और मैं ड्रग्स का काम भी छोड़ रही हूँ। ये तुम अब डिसाइड कर रही हो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद? और मैं, मेरा क्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ हमें पैसों की जरूरत थी इसीलिए मैं इस ड्रग्स के धंधे में आया। नीना मैंने तुम्हारे कारण अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, इतना सब कुछ रिस्क लिया, तुम अब ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जो भी हो संजय,
मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। देखो अगर तुम मेरे साथ नहीं आई ना तो मैं तो? क्या कर लोगे तुम? हाँ तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं हमारे रिश्ते और ड्रग्स के धंधे के बारे में रोहित को सब कुछ बता दूंगा, फिर देखता हूँ तुम्हारा रोहित तुम्हें कैसे अपनाता है। उसने मेरे लिए कोई चारा नहीं छोड़ा था, मुझे उसको मारना ही पड़ा। बर्बाद करोगे मुझे? हाँ नीना, बर्बाद करोगे? नीना तुम पागल हो गई हो क्या? हो गई हूँ पागल, तुम्हारी वजह से संजय, तुम्हारी वजह से मैं ड्रग्स के धंधे में आई और तुम्हारी वजह से मैंने अपने पति को धोखे में रखा। देखो नीना गन नीचे रख दो, हम बैठ के शांति से बात करते हैं। धक्के दे रहे थे ना, रोहित को बताओगे? हाँ बर्बाद करोगे? नीना वो गुस्से में बोल दिया मैंने, हाँ मेरी गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। चलो संजय झूठे हो तुम, तुम्हें सिर्फ पैसे से प्यार है। नहीं नीना, नीना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नीना देखो ये खिलौना नहीं है, ये गन मुझे दे दो ताकि तुम मुझे मार सको। मैं संजय मारूंगा। नीना संजय मेरे पास मत आना। नहीं नीना देखो गन चल जाएगी। नीना मैं गोली चला दूंगी। नहीं नहीं नीना नहीं, गन चल जाएगी। संजय पास मत आना। और कहाँ मारा तुमने संजय को? उसी बिल्डिंग की छत पर जहाँ संजय का ऑफिस है, हम वही मिला करते थे। मैंने संजय को अपनी गन से मार डाला। सर, हाँ। सनीना के बैग से जो गन मिली थी उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। नीना, संजय पर जो तुमने गोली चलाई थी क्या तुमने अपनी गन से चलाई थी? अभिजीत ये कैसे हो सकता है? सर रिपोर्ट के हिसाब से संजय पे गोली किसी और गन से चली है। वही तो, गोली किसी और गन से चली है। उस छत पे जाकर देखो। संजय की बॉडी में जो गोली मिली है वो नीना के गन से नहीं चली है, और नीना का कहना उसने गोली चलाई है। पूर्वी जरा नीना की जगह खड़ी हो जाओ। सचिन जरा संजय की जगह खड़े हो जाओ। सर नीना के हिसाब से जब नीना ने गोली चलाई तो संजय उसके सामने खड़ा था, ठीक यहाँ पे ये। अब जरा सचिन पे निशाना साधो। गन लोडेड तो नहीं है ना? नहीं सर। फिर ठीक है, इस पोजीशन से संजय पे गोली ठीक सीधी लगेगी, यानी 90 डिग्री पे। यही बात मुझे परेशान कर रही है, हो नहीं सकता है। क्यों सर? डॉक्टर साळुंखे के मुताबिक संजय पे गोली 45 डिग्री के एंगल से लगी है, 90 डिग्री पे नहीं, 45 एंगल, यानी इस तरह। यहां से चली है गोली, खूनी यहां छुप के खड़ा था, 45 डिग्री एंगल। खूनी की गोली संजय को यहां बगल में लगी। नीना ने जो गोली चलाई वो संजय को लगी नहीं, यहां कहीं दीवार में होनी चाहिए। ये देखिए सर, ये रही गोली। मतलब नीना ने फायर तो किया लेकिन उसका निशाना चूक गया। नीना का निशाना तो चूक गया लेकिन खूनी ने जो फायर किया वहां से उसका निशाना नहीं चूका। देखने वाली बात यह है कि नीना और संजय के अलावा जो तीसरा शख्स यहां मौजूद था, नीना उसे जानती है कि नहीं?
नीना उस रात तुम्हारे साथ छत पर कोई और भी था और उसने संजय पर गोली चलाई। क्या? लेकिन संजय पर तो मैंने गोली चलाई थी। हाँ, तुमने गोली जरूर चलाई थी, मगर तुम्हारी गोली दीवार में जाकर लगी। दीवार में मतलब मैं बेकसूर हूँ? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, समझे? खून करने की कोशिश करना ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। तो बताओ नीना जी, आपके और संजय के अलावा उस रात छत पे और कौन था? एमके। एमके? ये एमके कौन है? एमके हमारी गैंग का लीडर है। मैं और संजय उसके लिए ही काम करते थे। अब सच सच बताइए, उस रात छत पे क्या हुआ था और आप संजय को क्यों मारना चाहती थी? संजय एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट लेकर यहाँ से भाग जाना चाहता था और वो मुझे भी जबरदस्ती कर रहा था कि मैं भी उसके साथ भाग जाऊं, लेकिन मैं अपने पति रोहित के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। और पता नहीं कहाँ से एमके को संजय के इरादे के बारे में पता चल गया और संजय से पहले एमके छत पर आ गया। संजय कहाँ हो तुम? कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ। एमके बॉस, आप यहाँ? मेरा ड्रग्स लेके भागना इतना आसान नहीं है नीना। बॉस ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया बॉस, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब समझ में आ जाएगा, पहले तुम्हारे उस लव बर्ड को तो आ जाने दो। लव बर्ड? बॉस किसकी बात कर रहे हैं? तुम और संजय बड़े अच्छी जोड़ी है, तो तुम दोनों लव बर्ड्स मेरे ड्रग्स लेके फुर हो जाना चाहते थे? नहीं बॉस, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। ड्रग्स के साथ भागने का इरादा तो संजय का था बॉस। मुझे जग्गू से सब पता चल चुका है, तुम दोनों पर नजर रखने के लिए मैंने ही जग्गू को तुम्हारे साथ काम पे रखा है। बॉस मेरी बात का विश्वास कीजिए, बल्कि मैं तो संजय को यहाँ ये कहने आई थी कि मैं इस गलत काम में उसका साथ नहीं दूंगी। साथ तो तुम्हें संजय का देना ही नहीं चाहिए था नीना, लेकिन संजय ने तुम्हें अपने फायदे के लिए अपने साथ रखा और अब तुम्हारी जिंदगी मैं बर्बाद कर दूंगा। मैं रोहित को फोन करके ये बता दूंगा कि ना तुम ड्रग्स के धंधे में ही उसके साथ हो, बल्कि संजय के साथ तुम्हारा इश्क भी चल रहा है। नहीं बॉस, नहीं, आप रोहित को कुछ नहीं बताएंगे। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं रोहित को नहीं बताऊंगा तो संजय भी चुप रहेगा? अगर तुमने संजय की बात नहीं मानी तो वो रोहित को सब कुछ बता देगा। बॉस मैं रोहित को नहीं छोड़ना चाहती, और मुझे जेल में भी नहीं चढ़ना। मैं क्या करूं? आप ही बताएं बॉस मैं क्या करूं? अगर तुम सच बोल रही हो कि तुम मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी और संजय से भी छुटकारा पाना चाहती थी, तो तुम्हें ये साबित करना होगा, तुम्हें संजय का खून करना होगा। बॉस ये क्या कह रहे हैं बॉस? संजय को तुम्हें मेरी आंखों के सामने मारना होगा नीना, तब जाकर मुझे तुम पर भरोसा होगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पति रोहित को फोन करके सब कुछ बता दूंगा। तो डर के मारे तुमने संजय पर गोली चला दी। और एमके ने मुझे कहा कि वो लाश को ठिकाने लगा देगा और मुझे किसी लॉज में छिप जाने के लिए कहा। वहां से भागकर मैं घर सामान लेने आ गई और तभी तुम्हारी हथेली पे लगा हुआ संजय का खून सोफे पर लग गया। एमके का अड्डा कहाँ? मैं नहीं जानती, एमके दिखता कैसा है मुझे तो ये भी नहीं पता। अच्छा, वो लोगों के सामने एक मास्क लगा कर आता है। तुमने अभी अभी कहा ना कि एमके संजय की लाश को ठिकाने लगाने वाला था, तो फिर कोई और था वहां छत पर जिसे उसने कहा? नहीं, लेकिन जब मैं वहां से निकल रही थी तो वो जग्गू के साथ फोन पर बात कर रहा था। जग्गू? ये जग्गू का नंबर है तुम्हारे पास? एक बार ये जग्गू का नंबर ट्रेस हो गया ना तो समझ लो एमके हमारे हाथ में आ गया।
फिर ये तो मुमकिन लगता है। सामने इसके आदमी खड़े हुए हैं, पीछे से चलते हैं। ओके जल्दी 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 निकालो जल्दी। अरे क्या यार, बॉस आता होगा अभी। ए चंपा, तेरे को इतना टाइम लगता क्या ऐसा काम करने में? जग्गू सर, काम तो ठीक ठाक चल रहा है ना जग्गू? बहुत बढ़िया बॉस, ट्रक निकल चुका है, नाके में पहुंचते के साथ ही हम गोदाम में ले आएंगे उसे। और माल? माल की चिंता मत करो बॉस, वो कल सुबह पार्टी के हाथ में होगा। बहुत बढ़िया काम किया है तुमने, बहुत अच्छा। सर आज आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, मैंने भी काफी रिस्क लिया बॉस, अब अपना इनाम तो बनता है ना बॉस। क्यों नहीं जग्गू, तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए। और वैसे भी तुमने हमारी बहुत मदद की है, तुम जैसा ईमानदार आदमी आजकल मिलते कहाँ, तुम्हें तो बहुत बड़ा इनाम देंगे। बॉस बॉस ये क्या कर रहे बॉस? इनाम दे रहा हूं। सुकून, सुकून से बड़ा और इनाम क्या हो सकता है? जा जग्गू, मौत की गोद में सुकून से सो जा। जा। बॉस मैंने आपके लिए इतना काम, काम खत्म आदमी खत्म। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो जग्गू। नहीं बॉस, गुड बाय। गुड बाय कहने की इतनी जल्दी क्या एमके, अभी तो मुलाकात हुई है हमारी। तुम? तो तुम हो इस ड्रग माफिया के डॉन? हाँ मैं रोहित। आगे मत बढ़ना, मैं रुक जाओ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो इसका भेजा उड़ा दूंगा मैं। सर मुझे बचा लो सर, मैंने कहा रुक जाओ, मार दूंगा इसे मैं। सर मुझे बचा लो सर, मार दूंगा। सर मुझे बहुत डर लग रहा है, बता लो सर। मार दूंगा, आगे मत बढ़ना। मार दो, तुम्हारा ही आदमी तो है। मैं सच रुक जाओ। बस रोहित बाबू, चल ब्यूरो चलते हैं, तुम्हारी वाइफ नीना वहां तुम्हारा इंतजार कर रही है। ड्रग बेचने वाले एमके या इंटीरियर डेकोरेटर रोहित? एमके उर्फ रोहित, अब तुम्हारी बारी है सच्चाई बताने की, क्योंकि नीना जी ने तो सब कुछ बता दिया है हमें, अब तुम बताओ, बताओ जल्दी। सर इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस तो एक दिखावा था, दरअसल मेरा असली बिजनेस तो ड्रग्स का है। नई बात बताओ, नई बात। मिस्टर संजय को ड्रग्स के धंधे में क्यों फंसाया तुमने? सर मैं उसे जान से मारना चाहता था, नीना संजय को चाहने लगी थी और मैं इसे खोना नहीं चाहता था, बस इसीलिए मैंने पैसे का लालच देकर संजय को इस धंधे में फंसाया। संजय को तुमने ड्रग्स के धंधे में फंसाया, लेकिन तुम्हें यह कहां पता था कि नीना भी संजय के साथ ड्रग्स के धंधे में हेरा फेरी कर रही थी? क्यों नीना जी? चलो अब यह बताओ, तुम्हें पता कैसे चला कि नीना और संजय भागने वाले हैं? यह सब मुझे जग्गू से पता चला सर, इन दोनों पर नजर रखने के लिए जग्गू को मैंने इनके साथ काम पर रखा था। ये बिल्कुल सही वक्त है नीना, हमारी नई जिंदगी शुरू करने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा, इतने साल तक हमने एक दूसरे का इंतजार किया, तुम तैयार हो ना? संजय इस बात का जवाब देना अभी जरूरी है क्या? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, इस बार मैं ड्रग्स बैंक के लॉकर्स में रखूंगा, जिसे हम सही मौका देखकर बेचकर भाग जाएंगे, और तुम डरना मत, हमारा प्लान बिल्कुल कामयाब होगा।
हेलो बॉस, मैं चग्गू बोल रहा हूँ। संजय चाहता था कि मैं उसके साथ भाग जाऊं, लेकिन मैंने उसे मना किया तुम्हारी वजह से। कहा था मैंने उसे कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती, और तुमने मुझे ही फंसा दिया। वाह रे वाह, प्यार का त्रिकोण, प्यार का त्रिकोण। फिर क्या हुआ सर? उसके बाद मैंने नीना को संजय का खून करने के लिए मजबूर किया। पास बताना संजय, मैं गोली चला दूंगी। पास बताना। ये मैंने क्या कर दिया? और बाद में मैंने लॉकर की चाबी बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जानता था कि संजय वो लॉकर की चाबी जूतों में छुपाएगा। एक गलती कर दी ना एमके और रोहित, गलत गन रख दी तुमने नीना की पर्स में, और वो गन जिससे संजय पर गोली चलाई गई थी वो गन तुमने अपने पास ही रख दी। ये ना बड़ी गलती है, हो रहा है पछतावा क्यों? और नीना जी तुम्हें हो रहा है कि नहीं पछतावा? क्योंकि तुमने भी तो कोशिश की थी संजय को मारने की, और रोहित तुमने सोच समझ कर संजय को मारा है, साथ में ड्रग्स का धंधा भी किया। तुम दोनों को तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, और तुम्हें रोहित तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।